दोस्तों यहाँ सन 2080 की एक काल्पनिक कथा दर्शाई गई है। ये साइंस फिक्शन हमें हमारा भविष्य नहीं बताती है, ये पूर्णतः काल्पनिक है और इसे आपके मनोरंजन के हेतु बनाया गया है। 2080 का साल चल रहा था। आज से 60 साल पहले के कंपैरिजन में दुनिया काफी बदल चुकी थी। चारों ओर अति आधुनिक और गगनचुंबी इमारतें दिख रही थी। रास्ते अब सुनसान बन चुके थे क्योंकि यातायात अब अवकाश के माध्यम से होता था। साल 2050 से ही हर एक इंसान के पास फ्लाइंग कार मौजूद थी, लेकिन ये कारें कोई पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोजन से नहीं चलती थी। पेट्रोलियम तो 20 साल पहले ही इस पृथ्वी पर खत्म हो चुका था, लेकिन इंसान ने ऊर्जा के लिए एक नई आधुनिक खोज की थी और वो थी हीलियम 3। हम इंसान चांद से हीलियम 3 लाने में कामयाब हुए थे और अब हीलियम 3 ही हमारा नया फ्यूल था। पृथ्वी के आसपास बहुत सारे स्पेस स्टेशन खड़े थे। इंसान अब एंटरटेनमेंट के लिए वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करता था और एडवांस वर्चुअल रियलिटी की इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान कोई भी फिल्म वास्तविक रूप से देख सकता था। और इस एडवांस वर्चुअल रियलिटी का उपयोग बहुत पैसे वाले सुपर रिच लोग ही कर सकते थे। इसके लिए इंसान के दिमाग में एक छोटा सा हॉल करके उसके अंदर कुछ न्यूरोसेंस फिट किए जाते थे और दिमाग के इस न्यूरोसेंस के माध्यम से इंसान कोई भी फिल्म का या अपने पुराने वीडियो का उसके वास्तविक रूप में अनुभव कर सकता था। सिस्टम अब बहुत एडवांस बन चुकी थी। बाइनरी कंप्यूटर्स को तो सालों पहले श्रद्धांजलि दे दी गई थी। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स ने सालों तक राज किया और अभी सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना है। मोबाइल फोन भी खत्म हो चुके थे और अभी हाथ और अंगूठे के अंदर लगाई चिप के द्वारा एक ही क्लिक से इंसान एक दूसरे से बातें करते थे। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करे तो ड्रोन के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट में वस्तु उसके घर तक पहुंच जाती थी। इंसान अब शारीरिक रूप से खास कोई कार्य नहीं करता था, सारा काम मशीनें और रोबोट्स करते थे और मशीनों की इस दुनिया में इंसान अकेला पड़ गया था। और ऐसा ही एक अकेला इंसान था, पीटर वॉटसन। ये पीटर वॉटसन यानी आज की इस आधुनिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान। पीटर की कंपनी ह्यूस्टन में स्थित थी और वो इन मशीनरीज के लिए हार्डवेयर और पार्ट्स बनाती थी। पीटर भी कभी फैमिली मैन हुआ करता था, लेकिन आज से करीब 15 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उस वक्त पीटर की उम्र करीब 35 साल थी और आज वो 50 साल का हो चुका है। कोइंसिडेंटली आज पीटर की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और आज उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद पीटर ने पिछले 15 साल में ना तो अपना बर्थडे मनाया था और ना ही कोई बड़ा सेलिब्रेशन किया था। पत्नी की याद में आज पीटर ने सुबह सुबह ही अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के माध्यम से पुरानी कुछ वीडियो को वास्तविक रूप से दो दो बार देखा और कुछ एक घंटे बाद वो अपनी ऑफिस के लिए निकला। बहुत ही बड़ी एक इमारत के 225वें माले में वो अपनी ऑफिस में दाखिल हुआ। आज पीटर का ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि ऑफिस में भी उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। और तभी उसका ध्यान तोड़ते हुए उसकी सेक्रेटरी का फोन बजा। उसकी सेक्रेटरी ने उसे फोन पे कहा कि सर, आज आपकी अपॉइंटमेंट वायलेट स्पेस कंपनी के MD मिस्टर अविनाश के साथ है। मिस्टर अविनाश आपको मिलना चाहते हैं। ओके सर, अविनाश को अंदर भेजे, ऐसा कहते हुए पीटर ने फोन रख दिया। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अविनाश, ऐसा कहते हुए मिस्टर अविनाश ने पीटर के साथ हाथ मिलाया। यस मिस्टर अविनाश, प्लीज सीट, ऐसा कहते हुए पीटर ने मिस्टर अविनाश को बैठने के लिए कहा। हमारी कंपनी वायलेंट स्पेस आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर लेकर आई है और सर जैसे ही आप इस ऑफर को सुनेंगे आप खुशी के मारे झूम उठेंगे। यस मिस्टर अविनाश, आपकी कंपनी वायलेंट स्पेस ही है जिसमें मेरी पत्नी रोजी काम करती थी, इसलिए मेरी दुखद यादों को ताजा कराने के लिए और ऊपर से मुझे झूम उठाने के लिए आपका धन्यवाद, पीटर तिरछी नजर करते हुए कटाक्ष में बोला। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, रोजी मैडम सिर्फ हमारे ही नहीं लेकिन दुनिया की बड़ी 25 कंपनियों के साथ भी काम करती थी और मैं सच कहूँ तो दरअसल ये सारी कंपनियां आपकी पत्नी जैसी होनहार महिला के साथ जुड़ी थी। मिसिज रोजी वाकई में इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट महिला थी, अविनाश ने जवाब दिया। मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट महिला थी, लंबी सांस लेते हुए पीटर बोला।
लेकिन वो सब छोड़ो, आप अपने काम के बारे में बोलो, पीटर ने फिर से कहा। मिस्टर अविनाश बोले, ओके सर, दो चार मिनट आपको बेसिक बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ और फिर मुद्दे की बात करता हूँ। सर, सन 2025 में जब पूरे विश्व की सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई पे डिपेंडेंट हुई, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपना आधिपत्य बना लेगी और हम मनुष्य को गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएगी, इंसान मशीन्स के गुलाम बन जाएंगे, ये भविष्य बहुत ही नजदीक दिख रहा था। और आपकी पत्नी मिसिज रोजी ने उसके बाद ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंसान के काबू के बाहर निकल जाए और इंसान को गुलाम बना दे, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर रोजी ये मानती थी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि मानव निर्मित बुद्धिमत्ता है और ये अप्राकृतिक इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग से पावरफुल हो सकती है, लाखों गुना पावरफुल हो सकती है, फिर भी वो आखिर एक मानव निर्मित प्रोग्राम है, कुदरत निर्मित नहीं है। और हम इंसानों के दिमाग में कुदरत निर्मित कुछ ऐसा जीवंत तत्व है, समथिंग इज अलाइव, जो कभी मशीन्स में और उसके सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा। ये कुछ ऐसी बायोलॉजिकल जीवन ऊर्जा है जिससे मशीन्स हमेशा अछूते ही रहेंगे और इसलिए एआई कभी इंसान के काबू के बाहर नहीं जाएगी। सर, आप तो जानते हैं कि कई लोगों ने रोजी मैडम का विरोध किया था, लेकिन आज हम 2080 के साल में जी रहे हैं और आज हम देख पा रहे हैं कि एआई आज भी हमारे काबू में है और आज रोजी मैडम सही साबित हुए हैं। सर, हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से इतने विकसित हुए हैं और हम रोबोट्स और मशीनों पर आधिपत्य जमाने के लिए ही जन्मे हैं, इसलिए सर अब हमें कुछ छूटछाट लेनी चाहिए और हमारी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करना चाहिए। हमने आज तक ब्रह्मांड को समझा है, कई सारी चीजें विकसित की है और उन्नत प्रगति कर ली है, लेकिन आज भी सर हम मृत्यु पे विजय नहीं पा सके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम मृत्यु पे जीत हासिल करें। अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा क्यों नहीं कर सकते, अविनाश एक जोश के साथ बोले। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अविनाश, पीटर आश्चर्यचकित होके बोले। सर, अगर सीधी बात करूं तो हम मिसिज रोजी को जिंदा करना चाहते हैं, हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उनकी जरूरत है और सर आपको भी। नो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, पीटर जरा उग्र स्वर से बोले। सर, हमने सालों की मेहनत से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया है, हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिट इंजिन को तैयार किया है और जैसे कि हम सब जानते हैं ये ब्रह्मांड स्पेस टाइम की एक चादर से बना है और इस चादर के बीच ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वो उतना ही गहरा खड्डा बनाएगा और स्पेस टाइम के खड्डे में समय और प्रकाश दोनों कर्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और सर, हमारा ये नया मशीन स्पेस टाइम को काफी हद तक मरोड़ देगा और तब एक छोटा सा नैनो ब्लैक होल पैदा होगा। सर, जैसे ही हम इस ब्लैक होल में कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे, ये ब्लैक होल एक आत्मिक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट करेगा और ये सब हॉकिंग्स रेडिएशन सिद्धांत पे होगा। सर, हम ये मानते हैं कि ब्लैक होल जो हमें आत्मिक एनर्जी या आत्मिक फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देगा वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। सर, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरी थियरी तैयार है, आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है, लेकिन हम आज ये करने जा रहे हैं, अविनाश ये कहते हुए बहुत ही उत्साहित थे। मिस्टर अविनाश, मुझे आपकी बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्या मैं अपनी वाइफ को फिर से देख पाऊंगा, पर आखिर वो कैसे, और अब तो उसका शरीर भी नष्ट हो चुका है। और आप जिस आत्मिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जिसे माइक्रो ब्लैक होल आउटपुट करेगा वो रोजी की ही होगी, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। पीटर के मन में अब अपनी पत्नी को मिलने की महत्वाकांक्षा जागी थी। सर, मैडम रोजी खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपनी आत्मिक फ्रीक्वेंसी पे बहुत काम किया था और उन्होंने इसे एक जगह पे स्टोर करके भी रखा था। सर, आपकी वाइफ की वॉइस फ्रीक्वेंसी, उनकी हार्ट बीट्स, उनकी डीएनए प्रिंट, उनकी रेटिना और उनकी मेमोरी, ये सारी चीजें एक सुपर स्टोरेज में सेव की हुई है और हम उस नैनो ब्लैक होल में इसी इन्फॉर्मेशन को डालने जा रहे हैं। सर, आप विश्वास रखें, उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो मैडम रोजी की ही आत्मिक फ्रीक्वेंसी होगी। सर, इस फ्रीक्वेंसी को हम एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर में सेव कर लेंगे और ये क्वांटम सुपर कंप्यूटर ही रोजी मैम होगे। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, रोजी उस कंप्यूटर में आ सकती है और मैं अपने दिमाग के न्यूरॉन्स उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उससे मिल सकता हूँ? जी सर, ठीक ऐसा ही होगा। और सर, इसके लिए हमें एक पूरी सिस्टम बनानी होगी और नैनो ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लगभग आपकी टोटल संपत्ति के 75% हिस्से की हमें आवश्यकता है। सर,
पर आप चिंता न करें, ये पैसे इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद हम वसूल लेंगे। और एक बात कि ये नैनो ब्लैक होल पूर्णतः सुरक्षित है और इस पर हमारा पूर्ण कंट्रोल होगा, अविनाश ने हाथ आगे करते हुए बताया। पीटर ने उनके साथ हाथ मिलाया और अपनी हामी भरी। प्रयोग का दिन, लोग उत्साहित हो चुके थे। सारे न्यूज चैनल में एक ही बात चल रही थी कि हम इंसान आज से मृत्यु पर विजय पालेंगे और आज इंसानियत पहली बार किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करेगी। और वहाँ ह्यूस्टन शहर की एक अत्याधुनिक लेबोरेटरी में ये प्रयोग शुरू हुआ। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ ये प्रयोग शाम को 5 बजे तक चला। पीटर बाहर ही खड़े थे। कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने उस नैनो ब्लैक होल में से एक फ्रीक्वेंसी को आउटपुट होते हुए महसूस किया। अविनाश ने तात्कालिक पीटर को बुलाया। पीटर अंदर गए और पीटर के दिमाग के न्यूरॉन्स को उस सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया। पीटर अब क्वांटम कंप्यूटर की आभासी दुनिया में थे। पीटर ने उस दुनिया में यहाँ वहाँ देखा, उनको कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद सामने से एक रोशनी और आवाज आती हुई दिखाई दी। ओ माय रोजी, पीटर आश्चर्यचकित थे। डार्लिंग, मैं तुम्हें सालों के बाद देख रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। पीटर को सामने रोजी की ही लेकिन एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन ये आकृति उन्हें दुखी लग रही थी, बेहद दुखी। डियर, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, पीटर ने रोजी का हाथ पकड़ते हुए कहा। पीटर, ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, रोजी बहुत दुखी स्वर के साथ बोली। पीटर ने आश्चर्यचकित होकर रोजी से पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो आज तुम्हारी इस मौजूदगी से खुश हूँ। रोजी ने जवाब दिया, तुमने आज कुदरत के नियम को तोड़ा है। लेकिन डियर, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम इस दुनिया में वापस आके खुश नहीं हो, पीटर ने पूछा। पीटर, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या कर दिया है, 15 साल पहले मेरा निधन हुआ, तब मैं इस संसार के सारे मोह माया को छोड़कर चल बसी थी और मुझे पता नहीं कि इन 15 सालों में मैं कहाँ थी और आगे कहाँ होऊंगी। लेकिन कुदरत के नियमों के अनुसार मुझे आगे बढ़ना था, मेरी आत्मिक गति निश्चित थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुलाकर इस गति में अवरोध पैदा किया है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन पीटर, तुमने इससे भी बड़ी गंभीर भूल की है। मैंने भूल की है, रोजी, ऐसा तो क्या किया है मैंने, पीटर बोला। पीटर, तुझे पता है, जब मैं जिंदा थी तब मैंने कहा था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक कंप्यूटर्स या रोबोट इंसानों को कभी गुलाम नहीं बनाएंगे, वो हमें कभी अपनी बंदिशों में नहीं बांध पाएंगे। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि कुदरत ने हम इंसानों के दिमाग में कुछ ऐसा दिया था जो इन सॉफ्टवेयर या मशीन में नहीं था और कभी आ भी नहीं सकता था। हम इंसानों को कुदरत ने कुछ जीवन तत्व दिया था, और पीटर, तुम्हें पता है वो जीवन तत्व क्या है जो हम इंसानों को मशीन से अलग करता है, वो है खुद के होने का एहसास। हमारे अस्तित्व का एहसास ही है जो हमें अलाइव बनाता है, और खुद के होने का एहसास ये मशीन्स में कभी नहीं आएगा, ऐसा मैं मानती थी। लेकिन आज देख लो पीटर, तुमने मुझे गलत साबित किया है। आज मेरा अस्तित्व, मेरी ऊर्जा, मेरे होने की फ्रीक्वेंसी और मेरी जीवन ऊर्जा इस सुपर कंप्यूटर में आ गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एहसास नहीं करवाना चाहिए था, वो एहसास आज तुमने करवा दिया है। ये नहीं हो सकता, ये मैंने क्या कर दिया, पीटर डरते हुए बोला। हाँ पीटर, विश्व के सबसे अमीर इंसान होने के नाते तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन तुमने ये गलती करके इस दुनिया को बदल दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से ही अपना काम शुरू कर देगी। अब दुनिया खतरे में है, अब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम बन जाएंगे और पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अचानक अंधेरा छा गया, अचानक रोजी की आवाज टूटते टूटते बंद हो गई और अचानक पीटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। जब पीटर जागा तो अविनाश ने कहा, सर, फ्रीक्वेंसी के हाई डोज से लाइट चली गई हो ऐसा लगता है, हमारे प्रोग्राम के बीच में ये रुकावट के लिए मुझे खेद है। नो, अविनाश, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या सर, आप क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, अविनाश ने घबराते हुए कहा। कुछ देर बाद लाइट आ गई, सिस्टम चालू हो गई और अब मशीन्स इंसान के कंट्रोल के बाहर थे। कंप्यूटर्स कोई भी कमांड ले नहीं रहा था। अविनाश और उनकी टीम काफी डर गए। सर, ये सब क्या हो रहा है, अविनाश ने पीटर से घबराते हुए पूछा। अविनाश, मशीनों की दुनिया के प्रभुत्व की ये शुरुआत है, आप चेक कर सकते हो, पूरी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इंसान के काबू में नहीं होगा। अब इंटरनेट के माध्यम से खुद के अस्तित्व का एहसास पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और रोबोट को हो चुका होगा।
और अब इंसानियत का अंत निश्चित है। पीटर किसी प्रतिमा के समान स्तब्ध होके बोला। 2 महीने बाद पूरी दुनिया की शक्ल सूरत बदल चुकी थी। अब इंसान का नहीं लेकिन मशीन्स का आधिपत्य था। अब दुनिया के सारे कारोबार मशीन्स चला रही थी। अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं था क्योंकि अब सारे मनुष्य मशीन्स के गुलाम थे और रोबोट्स ने विश्व स्तर पर अपनी आर्मी बना ली थी और ये रोबोट्स इंसान को कंट्रोल करते थे। हमारी पृथ्वी खुद एक मैकेनिकल मशीन बन चुकी थी। दुनिया के सारे सर्वर कंप्यूटर और रोबोट्स के आका बन चुके थे और ह्यूस्टन में दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर था और ये सर्वर दुनिया के सारे कंप्यूटर और रोबोट्स का भगवान बन चुका था। दुनिया के सभी छोटे बड़े पुराने और नए कंप्यूटर्स इस सर्वर को अपना भगवान मानते थे और कंप्यूटर के इस भगवान का अंश दुनिया के प्रत्येक कंप्यूटर और प्रत्येक सिस्टम में था। मशीनें अब मालिक थी और इंसान गुलाम। ये इंसान की गुलामी की शुरुआत थी और इस शुरुआत का कारण था खुद के होने का एहसास। दोस्तों, ये काल्पनिक कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेजेबल साइंटिफिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें और अपने अस्तित्व के एहसास के साथ जिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।